हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंचुरी डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आप सभी अपने प्रिपरेशंस भी बहुत ही बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट्स रेनिंग जॉब्स 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 इन बजट। यानी कि एट प्रेजेंट अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी के द्वारा फाइनली बजट पेश किया जाता है, और बजट में जो मेन फोकस था वो गवर्नमेंट का किस पे फोकस था, तो वो था एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। किसको लेकर के? एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, यानी कि रोजगार को लेकर के। क्योंकि एट प्रेजेंट जो हमारी यूथ के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात है वो ये है कि हमारे पास रोजगार नहीं है, यानी कि आधे से ज्यादा जनता क्या है, बेरोजगार है। यानी कि गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा, मतलब ये जो स्टेप इन्होंने अभी लिया, काश अगर पहले ले लेते तो शायद हो सकता था कि एट प्रेजेंट जितनी बेरोजगारी इंडिया में देखने को मिल रही है उतनी नहीं होती। तो आखिरकार गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया है, इसके बारे में मैं आप सभी को आज के सेशन में बताने वाली हूँ, ठीक है? तो चलिए फिर इस सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड में आते हैं। आप सभी को पता है कि इस बार का जो इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन के जो रिजल्ट आए थे वो थोड़ा सा हमारे लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि हम लोगों ने भी एकदम दिमाग में ये चीज फिट कर ली थी कि इस बार आएगी तो यही सरकार आएगी, इस यही सरकार की वापस से सरकार बनने वाली है, ठीक है? हमने ये चीज सोच लिया था और यहाँ तक कि नारा भी था कि अब की बार 400 पार। लेकिन हमने देखा कि कोई भी पार्टी, चाहे आप इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कीजिए, चाहे आप बीजेपी की बात कीजिए, चाहे आप तृणमूल कांग्रेस की बात कीजिए, किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत का वोट नहीं मिला हुआ है। यानी कि कोई भी, यानी कि समझो कि जो हमारे यहाँ की पब्लिक है वो हमारी पब्लिक किसी से खुश थी ही नहीं, उन्होंने किसी को प्रॉपरली मेजोरिटी वाला वोट दिया ही नहीं कि तुम आगे जा करके सरकार बना सको। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने जब ये चीज रियलाइज की कि इलेक्शन के रिजल्ट ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया, और पूछा गया क्या सिखा दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा पता है क्या सिखाया, हमने जो मेन चीज को मतलब कहते ना किनारे रख दिया था, आज शायद वही चीज थी जिसके वजह से कोई भी सरकार अपनी पूरी तरीके से और कोई भी पार्टी को पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत में वोट नहीं मिला। अब नहीं मिला तो क्या किया जाएगा, तो उस गलती को सुधारा जाएगा। यानी कि इलेक्शंस के रिजल्ट आप लोगों को जून में देखने को मिलते हैं, जुलाई में गवर्नमेंट के द्वारा बजट पेश किया जाता है, और बजट में जो मेन थीम रख दी जाती है और जो मेन एम रखा जाता है वो ये कि हमें हमारे देश से बेरोजगारी को कम करना है। यानी कि मन में फिर एक क्वेश्चन आ गया कि मैम ये बेरोजगारी कम कैसे होगी, गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करने वाली है, सभी के घर में क्या ऐसा होने वाला है कि 15-15 लाख रुपए जाने वाले? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। तो होगा क्या, तो चलिए फिर इसके बारे में मैं आप सभी को बताती हूँ, ठीक है? आप सभी को ये मैंने बता दिया कि जो मेन प्रॉब्लम है यूथ की वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन आप सभी को ये भी चीज नोट करनी होगी कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में ऐसा, मतलब ऐसा क्या रीजन है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है? तो जो रीजन है वो रीजन है लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, ठीक है? कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में इसलिए इतना ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं किया जाता। जनरली बच्चा स्कूल में जाता है, इंस्टीट्यूशन में जाता है, पढ़ता है, पेपर देता है, क्वालिफाइड कर लेता है, दैट्स इट। लेकिन स्किल डेवलपमेंट पे कोई भी खर्चा नहीं करता है, और जब कंपनीज में इनको जाना होता है तो वहां कंपनियां ये बोलती है कि सुनो जरा स्किल डेवलपमेंट है क्या? बोले नहीं मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तो कंपनियां बोलती है एक काम करो तुम हट जाओ, हम एक्सपीरियंस पर्सन को ले लेते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नहीं, जो मेन रीजन है वो यही है कि स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया है? बिल्कुल, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का मेन कारण है स्किल डेवलपमेंट। तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम इस पे फोकस करेंगे और इसको आगे लेकर के चलेंगे, स्किल डेवलपमेंट करेंगे और फर्दर लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन फिर मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम सिर्फ स्किल डेवलपमेंट से हो जाएगा क्या, अपॉर्चुनिटीज कौन प्रोवाइड करेगा? आगे बताती हूँ, ठीक है? तो चलिए फिर इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? एट प्रेजेंट आप सभी को पता है कि बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है, और इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया गया है कि 51.25% जो ग्रेजुएट्स है उन वो एम्प्लॉयड है और जो बाकी आधे है वो अनएम्प्लॉयड है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक सर्वे में भी ये चीज क्लियर कर दी थी कि ये जो रेशियो 50-50 का दिख रहा है ना, इसको हमें कम करना जरूरी है। और कम करने के लिए फाइनली क्या किया गया, फाइनली 5 स्कीम्स लॉन्च
लॉन्च किया गया। पढ़िए जरा, पीएम मोदी फाइव स्कीम फॉर मिडिल क्लास एंड यूथ, यानी कि आपने इलेक्शंस के दौरान ये चीज फील कर ली है कि कहीं ना कहीं आपने मिडिल क्लास के साथ धोखा किया है और दूसरा यूथ के साथ धोखा किया है, तो इस चीज को आपको ओवरकम करना होगा। ये मिडिल क्लास को भी आगे लेकर के चलना होगा, यूथ को भी आगे लेकर के चलना होगा। लेकिन चलेंगे कैसे, तो ये टोटल फाइव स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। देखते हैं कि ये फाइव स्कीम में टोटल बोला क्या गया है और बताया क्या गया है, ठीक है। तो चलिए स्कीम नंबर ए पढ़ते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कहा कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने के लिए आपको स्किल डेवलपमेंट करना है। अब यूथ के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा एलोकेट किया है, जरा इस पे ध्यान देना, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज वर्थ ₹2,00,000 करोड़ सेंट्रल आउटले announced employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period. यानी कि यहाँ पे government ने कहा है कि हम 2,00,000 करोड़ रुपीस क्या कर रहे हैं, हम allocate कर रहे हैं किस लिए, तो employment के लिए, skilling के लिए और other opportunities के लिए, जो कि कितने लोगों को benefit करेगा, तो 4.1 crore youth को benefit करेगा over 5-year period। यानी कि जब government ने ये चीज बहुत अच्छे से realize कर है, तो गवर्नमेंट ने कहा कोई बात नहीं, हम फंड एलोकेट करेंगे और आफ्टर दैट फंड एलोकेशन हम देखेंगे कि इसका रिजल्ट भी बेहतर होगा। और फिर आपके मन में होगा कि मैम जल्दी से बताइए ये करेंगे कैसे, अब ये भी तो क्वेश्चन बनता है। तो चलिए फिर एक-एक स्कीम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है आपका स्कीम ए। स्कीम ए में गवर्नमेंट ने क्या किया है, देखिए जरा। फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज, यानी कि जो पर्सन पहली बार एज अ एम्प्लॉयर के तौर पे किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कह रही है, देखो जरा। The scheme is designated or designed to support individuals newly entering the formal workforce. Eligible first-time employees will receive a direct benefit transfer of 1 month salary. यानी कि आपको जो आप जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो वहां से तो आपको पैसे मिलेंगे ही, लेकिन हाँ गवर्नमेंट भी आपको क्या पेमेंट करने वाली है, तो पहली मंथ की सैलरी आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जो कि कितना होगा, जो कि 15,000 होगा। यानी कि गवर्नमेंट ने कहा कि आप क्या कीजिए, आप जा करके आगे बढ़िए, आप एम्प्लॉयमेंट लीजिए, स्किल डेवलपमेंट में भी हम फोकस करेंगे, और जब आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, आप जब रोजगार आपको जब मिल जाएगा, तो उस दौरान पहले मंथ की जो सैलरी होगी जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से 15,000 रुपए दिए जाएंगे, और इसको टोटल 3 इंस्टॉलमेंट पे दिया जाएगा, और इससे कितने लोगों का फायदा होगा, तो 2.1 करोड़ यूथ का फायदा होगा। आगे देखिए कि यहां पे टोटल एलोकेशन कितना किया गया है, तो 23,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए हैं। सेकंड स्कीम बी क्या है, तो वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंसेंटिव, यानी कि फोकस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यानी कि आज अगर इंडिया ये सोच रहा है कि वो डेवलप्ड इकोनॉमी बनेगा, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी आगे बढ़ाना है और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर को भी आगे बढ़ाना है। हमारा सर्विस सेक्टर तो अच्छा खासा आगे बढ़ रहा है, लेकिन हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे भी फोकस करना होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, देखो। Focused on the manufacturing sector, this scheme will provide incentive to both employees and employer. आप लोगों को पता होगा कि PF के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, प्रोविडेंट फंड। यहाँ होता क्या है कि जो पर्सन, जो एम्प्लॉयर है, वो जनरली उसके सैलरी से कुछ परसेंट डिडक्ट कर लिया जाता है, ठीक है, 12% के अप्रोक्स, ठीक है, वो डिडक्ट कर लिया जाता है, लेकिन वो फ्यूचर के लिए सेव करके रखा जाता है। यानी कि मान लेते हैं कि ये जो पर्सन थे जिसकी सैलरी मान लेते हैं जो भी है, उसका 12% क्या किया गया, 12% डिडक्ट कर लिया गया, तो उस पर्सन की तो सैलरी से तो डिडक्ट किया जा रहा है, लेकिन सेम जितना परसेंट यहां से आप उस पर्सन के सैलरी से डिडक्ट करोगे, उतना सेम परसेंट आपको कंपनी भी देगी। यानी कि क्या होता है कि ये फ्यूचर की सेफ्टी के लिए जो भी पर्सन होते हैं, जो एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कुछ परसेंट अपने सैलरी का एज अ प्रोविडेंट फंड के तौर पर रखते हैं, जो कि पैसा आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो यहां कहा गया कंपनीज को कि कोई दिक्कत नहीं है, एम्प्लॉयर आप अपना पैसा डालो, कोई दिक्कत नहीं है, और जो कंपनियां हैं उनको भी कह दिया गया कि आप भी यहां पे कंट्रीब्यूट कीजिए, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करेगी इसमें। यानी कि सोचो कि पहले तो दो ही लोगों का कंट्रीब्यूशन था, यहां गवर्नमेंट ने कहा कि आप सेव कीजिए, हमारे तरफ से भी यहां पे कंट्रीब्यूशन होगा। तो थोड़ा सा इसको देख लो, टू बूस्ट एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स बेस्ड ऑन देयर ईपीएफओ कंट्रीब्यूशन फॉर द फर्स्ट 4 ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी कि पहले 4 साल, जो एम्प्लॉयमेंट के पहले 4 साल होंगे, तो उस
उन साल के दौरान गवर्नमेंट अपने तरफ से ईपीएफओ में भी क्या करेगी, कंट्रीब्यूशन देगी। क्या ये चीजें क्लियर हुई? ठीक है, तो ये देखो, इट एम्स टू इनकरेज द हायरिंग ऑफ फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज एंड इज प्रोजेक्टेड टू बेनिफिट 30 लाख यूथ को इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसमें एलोकेशन कितना किया गया है, तो 52,000 करोड़। ठीक है, थर्ड स्कीम में आते हैं। थर्ड क्या है, तो एम्प्लॉयर सपोर्ट। ठीक है, This employer focused scheme covers additional employment across all sector. Employers will received up to 3,000 per month for each additional employee with a salary of up to 1 lakh per month. अब देखो, यहाँ कंपनी को कहा गया है कि देखो, हमें पता है कि आप एम्प्लॉयमेंट देते हो, लेकिन एक और चांस आपको दे क्या एम्प्लॉयमेंट देने का। फिर कंपनी ने बोला कि क्या चांस दे रहे हो, तो बोल रहे कि जितने लोगों को आप एड करते जाओगे ना अपने कंपनी में, उन पर पर्सन के अकॉर्डिंग हम आपको 3,000 रुपीज भी क्या करेंगे, पर मंथ एलोकेट करेंगे। यानी कि कंपनी को लग रहा है कि अरे ये तो बढ़िया है, यानी कि इधर से भी हम पैसा देंगे और उधर से गवर्नमेंट दे ही रही है, तो हमारा फायदा ही फायदा है। तो यहाँ पे कंपनी को भी, और मतलब कहते हैं ना, कंपनी को प्रोत्साहित किया गया है कि आप ज्यादा से ज्यादा रोजगार दीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्कीम में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो स्कीम नंबर 4, जिसमें बोला गया है ब्रिंगिंग स्केल एंड स्पीड टू स्किलिंग इन इंडिया। यानी कि कंपनियां कब आपको लेंगी, जब आप स्किल डेवलपमेंट करोगे। स्किल डेवलपमेंट कैसे करोगे, तो इसके बारे में देखिए, 1000 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर्म करने की बात की गई है, जहां पे आप ट्रेनिंग देंगे पर्सन को, और जिसको भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए उनको आप क्या करोगे, ट्रेनिंग देने वाले हो उस इंस्टीट्यूट में, और फाइनली डायरेक्ट इंडस्ट्रीज के साथ लिंक्ड अप होकर के वो पर्सन को आप उस इंडस्ट्री में भेज सकते हो कि जाइए, अब आपको ट्रेनिंग मिल चुकी है, अब आप डायरेक्टली कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। यानी कि यहां पे कितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर्म करने की बात की गई है, तो 1000 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर्म करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्या है, तो इंटर्नशिप इन टॉप कंपनी, यानी कि जब आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी तो टॉप 500 कंपनीज में आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड भी की जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द फिफ्थ स्कीम अंडर द प्राइम मिनिस्टर्स पैकेज इज अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव टू एनहांस यूथ एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट बाय ऑफरिंग इंटर्नशिप इन 500 टॉप कंपनीज टू 1 करोड़ यूथ ओवर 5 ईयर। यानी कि इससे भी 1 करोड़ यूथ का फायदा होगा। यानी कि नॉर्मल तरीके से आप देखिए कि जो बच्चे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ करके जाते हैं, तो उनको तो अच्छे कॉलेजेस, अब देखो अच्छे कॉलेज के बेस पे उनको अच्छा खासा इंटर्नशिप करने का भी मौका मिल जाता है। लेकिन जो पर्सन और जो कैंडिडेट एज अ नॉर्मल ग्रेजुएशन के तौर पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो प्रॉब्लम उन लोगों के लिए हो जाती है कि उनके पास इंटर्नशिप का कोई चांस ही नहीं रहता, मतलब चांस रहता है लेकिन कोई, मतलब उनको इंटर्नशिप का चांस नहीं मिल पाता है, बहुत कम मिल पाता है। और वो चीजें क्या होता है कि उनके पास फिर स्किल डेवलपमेंट की कमी हो जाती है। स्किल डेवलपमेंट की कमी होने की वजह से कंपनियां प्रेफर करती है कि जो बड़े कंपनियां से जिनके पास, जिन्होंने इंटर्नशिप करके रखा है, उनको हम क्या करें, उनको हम मर्ज करें अपने कंपनी में और बाकी लोगों को वो छोड़ देते हैं। तो जब ये गवर्नमेंट ने रियलाइज किया, तो गवर्नमेंट ने कहा कि काम करते हैं ना, टॉप 100 कंपनीज को बोल देते हैं कि आपको क्या करना होगा, आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करनी होगी। यानी कि जब आप इतने कंपनियां को कह रहे हो इंटर्नशिप प्रोवाइड करने के लिए, तो उस दौरान वहां पे लोग जाएंगे, अपना इंटर्नशिप करेंगे, एक्सपीरियंस लेंगे, और आफ्टर दैट एक्सपीरियंस वो नए कंपनीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि वहां पे आपको कोई मना नहीं कर सकता कि ये तो, मतलब हम आपको ले नहीं सकते क्योंकि आपके पास स्किल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये टोटल, ये जो 5 है, ये 5 स्कीम मैंने आपको बताया जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। शायद इस स्कीम को अगर पहले इंट्रोड्यूस किया जाता तो हमारी इकोनॉमी जो है इस तरीके से बढ़ी रही है, लेकिन और ज्यादा हमें एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ भी देखने को मिलता। लेकिन कोई बात नहीं, देरी से हुआ बट हुआ, तो देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करके हमारे यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसको कम करती है और एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाती है। आई होप कि आप सभी को ये सेशन समझ में आया होगा, चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी। तो इस सेशन को शेयर करना ना भूलें, नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है, और हाँ, सेशन को आप सभी लाइक तो कर ही दोगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी एनडीए 2024 एंड 2025 एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाहते हैं अपने पहले प्रयास में? तो आज ही इनरोल करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के रिटन प्लस एसएसबी कोर्स में, जो आपको देने वाला है रेगुलर क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, ट्रेन्ड फैकल्टीज, एक्सपर्ट्स ऑफ द एसएसबी पैनल, फ्री एसएसबी कोचिंग, इंडियाज लार्जेस्ट जीटीओ ग्राउंड के साथ में डाउट क्लियरिंग सेशंस, वीकली मॉक टेस्ट, रिगरस प्रैक्टिस,
ये एक ऐसा संस्थान है जहां हम आपको ए टू जेड प्रिपरेशन कराते हैं और आपको नेशनल डिफेंस एकेडमी की कड़ी तैयारी कराते हैं। प्राउडली ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, 4 जैसे रैंक्स देने वाली सेंचुरी डिफेंस एकेडमी आपको वेलकम करती है टू ज्वाइन आवर अपकमिंग कोर्सेज फॉर योर एनडी एग्जाम प्रिपरेशन। प्लीज कॉल ऑन 9799777766 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, नमस्कार एंड जय हिंद।